जय श्री कृष्णा बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर कूलॉम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। कूलॉम्स लॉ का इम्पोर्टेंस आप इस तरह समझ सकते हो जैसे कि आपका मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ का महत्व था ना कि मोर और लेस घुमा फिरा के सारी चीजें न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड होती हैं, उसी तरह से यहाँ पर कूलॉम्स लॉ होता है। एकदम फंडामेंटल लॉ है और ये जो लॉ होता है ये इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेज होते हैं, जो चार्जेस के फोर्सेज होते हैं, स्टेशनरी चार्जेस के जो फोर्सेज होते हैं उनके बारे में बताता है। ये कहीं ना कहीं उड़ते पढ़ते आप सब लोगों ने इस लॉ के बारे में पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। कुछ बारीक बातें हैं जहां से हम लोगों को इस लॉ को समझना है। सबसे पहली बात तो ये है कि कूलॉम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया था। कूलॉम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया था। तो मैं लिख सकता हूं कि कूलॉम्स लॉ वॉज गिवन ओनली फॉर कूलॉम्स लॉ वॉज गिवन ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये नियम दिया गया था। अब सवाल ये पैदा होता कि भाई ये पॉइंट चार्ज होता क्या है, पॉइंट चार्ज हम किस चीज को पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। तो एक्चुअल में तो पॉइंट की जो गणित के हिसाब से डेफिनेशन है वो तो ये कहता है कि जिसमें ना लंबाई हो ना चौड़ाई हो ना ऊंचाई हो वो पॉइंट है। तो ये तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी तो कोई चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई कुछ है ही नहीं, उसमें वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या है कि पॉइंट चार्ज का मतलब यहां पर यह है कि जैसे दो चार्जेस हैं, कोई भी दो चार्जेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो अगर चार्जेस का जो अपना साइज है उसके कंपैरिजन में बहुत अधिक है तो ऐसे चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्ज कहते हैं। मतलब चार्जेस के बीच की दूरी चार्जेस का जो अपना साइज है उसके मुकाबले बहुत अधिक होनी चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए कि दो मटर के दाने हैं और दोनों को एक मीटर की दूरी पर रख दिया गया तो उन दोनों को पॉइंट चार्ज हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि उनके बीच की दूरी उनके खुद के साइज के मुकाबले बहुत अधिक है। जैसे मान लीजिए दो फुटबॉल है, ठीक है, और फुटबॉल ग्राउंड में दोनों अलग अलग सिरों पे रखे गए हैं, उनके बीच की दूरी लगभग 50-60-100 मीटर के आसपास होगी, उनको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है अगर चार्जेस की साइज के कंपैरिजन में बहुत अधिक है तो ऐसे चार्जेस को हम पॉइंट चार्ज के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए धरती और सूरज की बात करें तो धरती और सूरज को भी हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं क्योंकि धरती और सूरज के बीच की डिस्टेंस बहुत अधिक है। आप जानते हो सन से अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट लगता है कुल, सूरज से धरती तक अगर लाइट आ रही तो 8 मिनट का समय लगता है, तो सोचिए कितना ज्यादा अधिक दूर होंगे दोनों। तो हम अगर धरती और सूरज के बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालना चाहते हैं तो हम उनको भी पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज का मतलब यहां पर यह नहीं कि पॉइंट है, पॉइंट चार्ज का यहां पर मतलब है कि चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो चार्जेस के साइज के कंपेरिजन में लार्ज है। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट डाल के लिख देता हूं इसको, if distance between the charges मेरे साथ आप भी लिखते रहिएगा, distance between the charges is large as compared to size of the charges as compared to size of the charges then the charges are called point charges then the charges are called point charges अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द चार्जेस देन द चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट का मतलब यह है कि चार्जेस के बीच की दूरी बहुत अधिक होनी चाहिए। तो कूलॉम का नियम पहली बात यह है कि पॉइंट चार्जेस के लिए दिया गया था। सबसे पहली बात, कूलॉम के लॉ के दो फॉर्म है, एक स्केलर फॉर्म है एक वेक्टर फॉर्म है। तो पहले तो हम लोग कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म देखेंगे, फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, बाद में डायरेक्शन भी देखेंगे। तो अब कूलॉम्स लॉ होता क्या है, सपोज करें कि दो कोई पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 and these two point charges are placed at a distance L या R। suppose करें कि दो point charges हैं और इनके बीच का जो distance है, ये दो भी जो point charges हैं इनके बीच का जो distance है वो Q1 Q2 इनके बीच की दूरी जो है वो R के बराबर है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी R के बराबर है और ये दोनों point charges हैं। तो
अगर ये लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल होगा, रिपल्शन होगा, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होगा, ये हमें पता है। तो जैसे मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस आर के बराबर है, तो इनके बीच जो भी फोर्स लग रहा होगा, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, कूलॉम ने बताया कि ये चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो फोर्स होगा वो Q1 के भी प्रोपोर्शनल होगा, Q2 के भी प्रोपोर्शनल होगा। Q1 के प्रोपोर्शनल होगा, इसका पता कैसे लगाया होगा, सोचो जरा। उन्होंने क्या किया होगा, इस वाले में सब सेम रखते हुए इसका चार्ज डबल किया होगा, डबल करने पे फोर्स डबल हो गया होगा, फिर इसका चार्ज तीन गुना किया होगा तो फोर्स तीन गुना हो गया होगा, आधा किया होगा तो बाकी सबको सेम रखते हुए तो फोर्स आधा हो गया होगा, तो प्रोपोर्शनलिटी आ गई। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 है, पहले वाले चार्ज के, दूसरे वाले चार्ज के भी प्रोपोर्शनल है, और ये 1/r² के भी प्रोपोर्शनल है। आर इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, तो ये 1/r² के भी प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो F इज इक्वल हो जाता है K Q1 Q2 upon R square, जहां पर K एक कांस्टेंट है, F इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 upon R square, ठीक है। मतलब चार्ज जो है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्स मतलब उल्टा, स्क्वायर मतलब आर। तो डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आ जाता है। अब ये जो कॉन्स्टेंट के है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9×10⁹, और एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, एमकेएस सिस्टम में हम इसको लिख सकते हैं N·m²/C² ये के की वैल्यू आती है। सीजेस सिस्टम में, कूलॉम ने जब एक्सपेरिमेंट किया था ना, कूलॉम का लॉ जब बना था तो उसमें सीजेस सिस्टम चलता था, तो सीजेस सिस्टम में इसी के की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। और यूनिट सीजीएफ में फोर्स का यूनिट होता है dyne×cm²/stat·c²। स्टैट कूलॉम को ESUB कहते हैं। तो ये एक बड़े काम की बात है जो आपको दिमाग में रखनी है। आज तक जितने भी सवाल आए हैं, चाहे वो IIT का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, जितने भी सवाल आए हैं, किसी में सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आगे नहीं इस्तेमाल होगा, इसलिए हमको पता रखना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में K1 होता है, MKS में इसके बराबर होता है। के को हम लोग, ये जो के है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसका एक और लिखने का तरीका, 4πε₀, के जो है ये 4πε₀ के बराबर होता है, जहां ε₀ कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, ε₀ जो है ये वैक्यूम की परमिटिविटी होती है। और कई बार के को हम सीधे 9×10⁹ बोल देते हैं, कई बार इसको 1/4πε₀ से भी दिखाते हैं, जहां ε₀ को एक विशेष नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ε₀ की जो वैल्यू आती है, ये किसके बराबर आती है, 8.85×10⁻¹2। ये सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू आएगी, और यूनिट अगर हम लिखना चाहें तो उल्टा हो जाएगा, कूलॉम का स्क्वायर अपॉन N·m²². ये इसकी वैल्यू आएगी। ये ε₀ की वैल्यू जो है ये दी रहती है हमेशा। जो IIT वाले होते हैं या जो नीट वाले होते हैं, कभी आपको अननोन कांस्टेंट की वैल्यू से निखर पर आपको परेशान करते हैं, अननोन कांस्टेंट हमेशा दिया रहता है। तो अननोन कांस्टेंट जो है वो 8.85×10⁻¹2 के बराबर होगा। तो ये कूलॉम का नियम होता है कि दो पॉइंट चार्जेस अगर रखे हैं आर दूरी पर, तो इनके बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स इसके बराबर होता है। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, वो आपको कॉमन सेंस से पता चल जाएगा जब आप सवाल देखेंगे। और उसके बाद ये जो K की वैल्यू आती है 9×10⁹ के बराबर आती है, और ये K की वैल्यू जो है सीजीएस सिस्टम में 1 के बराबर आती है। तो ये कूलॉम्स लॉ जो है उसका स्केलर फॉर्मेट हो गया। अब ये जो फोर्स होता है, ये जो कूलॉम्बिक फोर्स होता है, इस कूलॉम्बिक फोर्स के अंदर कुछ कुछ, जैसे नॉर्मल जैसे सारे फोर्स 11th में आपने पढ़े थे, उसी तरह से ये कूलॉम्बिक फोर्स भी होता है, कुछ इसकी जनरल प्रॉपर्टीज होती है, जनरल प्रॉपर्टीज होती है जो हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ, जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली बात तो ये जो फोर्स होता है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसको लगने के लिए किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। कूलॉम लॉ में जो फोर्स आता है, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, चार्जेस अगर एक चार्ज यहां पे रखा है, एक दूसरे कमरे में रखा है, तब भी फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा तो नहीं कि फोर्स नहीं लगेगा। तो इनके लिए कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो पहला पॉइंट जो इसके अंदर है, इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा,
फोर्स है तो न्यूटन के लॉस को भी फॉलो करेगा, न्यूटन के जो तीनों नियम है उनको भी फॉलो करेगा, भाई फोर्स तो है ही नहीं, फोर्स है तो न्यूटन का लॉ फोर्सेस के लिए ही दिया गया था, तो ये न्यूटन के लॉस को फॉलो करता है, पर्टिकुलरली थर्ड लॉ को फॉलो करता है। थर्ड लॉ का मतलब जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये इसके ऊपर भी लगाएगा, तो ये न्यूटन के लॉस को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो मैं यहां भी लिख देता हूं, इट फॉलोज द लॉज ऑफ न्यूटन, न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है उनको फॉलो, न्यूटन के बहुत सारे लॉज हैं लेकिन ये न्यूटन के जो लॉज हैं ठीक है उनको फॉलो करता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को, न्यूटन के जो गति के नियम है। उसके अलावा जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, दोनों इस पे भी लगेगा, जैसे मान लो इसने इस पर एफ लगाया तो ये इस पे माइनस एफ लगाएगा, लेकिन जो लगेगा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। एक और पॉइंट है, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, चौथा इसके अंदर आ रहा है, जो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, ये जो न्यूटन का लॉ है ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, और मीडियम पे जो डिपेंडेंसी है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, मीडियम पे डिपेंडेंसी जो है मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसके अंदर पूरा डिटेल में समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है, और अगर नहीं करता है तो किस तरह से नहीं करता, करता है तो किस तरह से करता है। फिलहाल अभी मीडियम की डिपेंडेंसी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। चौथा इसके अंदर पॉइंट है, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है, और जैसे सारे फोर्स होते हैं वैसे ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ये कोई और फोर्स है या यूनिट न्यूटन नहीं है कुछ और है, जैसे सारे फोर्सेस वैसे ये भी होता है, और न्यूटन के लॉज को ये जो फोर्स है ये फॉलो करता है। ये कूलॉम्स लॉ की कुछ बेसिक बातें रही। कूलॉम्स लॉ जो है ये समझ लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, जितने भी आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, पोटेंशियल पढ़ाएंगे, एनर्जी पढ़ाएंगे, लेकिन सब बेस्ड इसी नियम पर होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही मतलब और इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं कि कोई इसके अंदर बहुत विशेष ऐसी कठिन सी बात है, इंपॉर्टेंट भी है इंटरेस्टिंग भी है, दोनों बातें इसके अंदर है, तो इस लॉ को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। अब जैसे कूलॉम्स लॉ जो होता है इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, कुछ छोटे छोटे सवाल मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, जिससे कूलॉम्स लॉ को आप और अच्छी तरह से समझ पाए। जैसे कूलॉम्स लॉ पे एक सिंपल सा सवाल दे रहा हूं, दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन से दोनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पे रखे गए हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम्ब नेगेटिव में, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, केजी में होता है, ये कूलॉम्ब में होता है, मतलब एसआई सिस्टम में। तो इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई कर रहे होंगे, तो उन दोनों फोर्सेस का रेशियो आपको बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इनका आपको रेशियो निकालना है, तो अगर हम इन दोनों का इनका रेशियो निकालना चाहते हैं तो इनका रेशियो कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा ये बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम लोग जानते हैं G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो इंटरेस्टिंग बात ये कि ये दोनों इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस कहे जाते हैं, इनके अंदर जो डिस्टेंस है उसकी इनवर्स स्क्वायर आ रही है, तो खैर इलेक्ट्रिकल फोर्स ही आ गया, ग्रेविटेशनल ही आ गया। अब इसका रेशियो पूछा था, तो रेशियो
अगर इसका देखा जाएगा, डिवाइड कर दूंगा मैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, और इनका जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा के बाई जी। दोनों का चार्ज ई और ई है तो ई स्क्वायर, और दोनों का मास में एम और एम मान लेता हूं तो अपॉन एम स्क्वायर ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू जो आएगी देखना, के है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और जी जो है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और जो मास था वो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 था, ये मास था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अप्रोक्स सॉल्व करें अगर, तो अप्रोक्स अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इसका ऐसे बनेगा, ये हो गया 9, ठीक है, 1.6 का स्क्वायर 2.56 होता है तो हम लगभग उसको 2.6 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर जो है वो 2.6 ले लिया मैंने मोटा मोटा, या 2.5 ले लेते हैं, चलो डेसिमल के एक ही पॉइंट तक रहेगा, तो 1.6 का स्क्वायर हो गया 2.5, और ये 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर माइनस 38 होगा, 38 माइनस 9 हो जाएगा 29, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 29 अपॉन ये हो गया 6.7, और 9 का जो स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर होगा 81.1 था तो हम चलो उसको 82 कर देते हैं, और 31 का स्क्वायर हो जाएगा 10 टू द पावर 62 माइनस 62 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको मोटा मोटा सॉल्व करना चाहते हैं तो जैसे इसको 2.5 इंटू 9, 2.5 इंटू 9 कितना हो जाएगा 22.5, और इसको लगभग हम 80 मान लें, इसको 7 मान लें, इसको 80 मान लें, इसको लगभग 7 मान लें, और मल्टीप्लाई करें तो 560 हो जाएगा, 560 को मैं 56 लिख देता हूं, ठीक है, और इधर एक जीरो ले लूंगा तो 61 हो जाएगा, 61 माइनस 29 जो आएगा वो 42 हो जाएगा। ठीक है, मेरा पर्पज इस सवाल को कराना यही था, इसको भी हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, लगभग 1/2 के आसपास आ जाएगा, मेरा पर्पज ये बताना था कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होता है वो ग्रेविटेशनल के मुकाबले एक्सट्रीमली लार्ज होता है। एक्सट्रीमली लार्ज का मतलब यहां देख रहे हैं आप 10 टू द पावर 42 जो है बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आप सोच ही ना पाओगे, आसमान में तारे इतने ना होंगे, या दुनिया की उम्र इतनी नहीं होगी, या पूरी दुनिया के पास जो दौलत है वो इतनी नहीं होगी, तो 10 टू द पावर 42 बहुत बड़ा नंबर है, एक मोल का भी एक मोल है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेज जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेज के कंपेरिजन में एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। मैंने बताया था, भी था एनएलएम में जब न्यूटन्स लॉ पढ़ाया था तो वहां पर आपको ये बात बताई गई थी कि सबसे ताकतवर जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, फिर इलेक्ट्रिकल आता है, फिर वीक न्यूक्लियर आता है, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो ग्रेविटेशनल सबसे कम होगा, और वो बात आज यहां देखो साबित भी हो गई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स का 10 टू द पावर 42 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये खैर एक छोटा सा सवाल था जो ये बात बताने के लिए दिया था मैंने कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज होते हैं दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेज। अब मैं यहां पर आपको एक और सवाल देने जा रहा हूं, कुछ और हम लोग सवाल करेंगे। ये एक चार्ज है कैपिटल क्यू और एक दूसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, ये पॉइंट ए पर रखा हुआ है जमीन पे और ये हवा में इसे लटका हुआ है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल एल के बराबर है। ये चार्ज जमीन पे रखा गया है, ये वाला चार्ज क्यू जो है इसे हवा में तैर रहा है, रुका हुआ है अपनी जगह पे हवा में, ऐसे जैसे मान लो मैं चार्ज छोड़ दूं ये चार्ज कैसे हवा में रुकी रह जाए, इस टाइप की कंडीशन है। तो अब इसमें क्वेश्चन में लिख देता हूं, चार्ज स्मॉल क्यू इज एट रेस्ट इन एयर, फाइंड द मास ऑफ स्मॉल क्यू, चार्ज स्मॉल क्यू एज एट रेस्ट इन एयर, फाइंड द मास ऑफ स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू का मास बताओ। तो जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है mg, हाँ नीचे की तरफ mg लग रहा है,
और चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसका अपना वजन तो लग ही रहा होगा, उसके साथ साथ ये इसके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो ये इसके ऊपर रिपल्शन मान लेते हैं एफ ई लगा रहा है। चूंकि ये रुका हुआ है, इसमें कोई मोशन नहीं है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा और जो मैग्नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों बराबर होंगे, तो एफ ई एम जी के बराबर होगा तभी ये रुका रह सकता है। एफ ई की वैल्यू कितनी होगी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये एम जी के बराबर हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर यहां से स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्मॉल क्यू आएगा एम जी एल स्क्वायर अपॉन के कैपिटल क्यू, जो स्मॉल क्यू आएगा वो एम जी एल स्क्वायर अपॉन के कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नहीं, आपसे स्मॉल क्यू पूछा ही नहीं था ना, आपसे पूछा था मास, तो मास इसका जो आएगा, मास लिखता हूं मैं यहां पे, मास की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन जी एल स्क्वायर, ये मास की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग मास निकाल सकते हैं। एक सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल था, एक और सवाल देता हूं मैं आपको, कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करने के हिसाब से मैं सवाल आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक ये सवाल करें, यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू, और यहां पर एक चार्ज है क्यू नॉट, ये दूरी एल है, ये दूरी एल है और ये दूरी है आर। ठीक है, सवाल समझ लीजिए, यहां पे एक चार्ज ये एक्स एक्सिस मान लिया मैंने और इसको मैंने वाई एक्सिस मान लिया, और यहां पर एक चार्ज क्यू है, यहां माइनस क्यू और यहां क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, जो क्यू नॉट है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स बताओ, क्यू नॉट चार्ज जो है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स आपको बताना है। ये वाला चार्ज क्यू था नॉट, माइनस क्यू था क्यू नॉट, तो आपको क्यू नॉट के ऊपर लगने वाला फोर्स बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूं। सॉल्व करें, अब तक मैं इसको डिलीट मार देता हूं। तो क्यू नॉट के ऊपर इसका चार्ज क्या, फोर्स कितना होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्यू और क्यू नॉट ये लाइक चार्जेस हैं, तो ये क्यू क्या है, इस क्यू नॉट को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, और मान लीजिए उसने फोर्स एफ1 लगाया, क्यू ने क्यू नॉट को रिपेल किया और रिपेल करके मान लो फोर्स एफ1 लगाया, तो एफ1 की वैल्यू मैं यहां से लिख सकता हूं, एफ1 कितना होगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी है, सॉरी ये दूरी एल नहीं है, इसको मैंने आर मान रहा हूं, तो ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, एल प्लस आर, तो ये हो जाएगा एल प्लस आर का होल स्क्वायर। उसी तरह से ये माइनस क्यू क्या करेगा, इस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस क्यू अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा इधर, मान लिया एफ टू लग गया, तो एफ टू की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर जाएगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। एफ वन ये रिपेल कर रहा है तो इधर लगाएगा, ये अट्रैक्ट कर रहा है तो इधर लगाएगा, अब उसके बाद जो इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा वो बराबर हो जाएगा एफ वन माइनस एफ टू, एफ वन माइनस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्यू क्यू नॉट कॉमन हो जाएगा वन अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एल प्लस एल सॉरी वन अपॉन बड़ा कौन होगा एफ वन, नहीं बड़ा तो वैसे एफ टू है लेकिन मैंने एफ वन माइनस एफ टू कर दिया, तो ये एल माइनस आर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। चाहे तो हम थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई होकर के भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक लाइन के अलावा अगर चार्जेस रखें तो फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए ये एक सवाल है, इसमें सवाल के अंदर एक स्क्वायर है जिसके हर कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा गया है, ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ए इसका एक साइड ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
हर किनारे पे क्यू चार्ज रखा हुआ है और स्क्वायर का हर साइड जो है वो एल के बराबर है, ये एकदम ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो चारों चार्जेस हैं ये सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जो है वो ये आ रहा है, फाइंड द फोर्स बाय फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सी। जो सी पे चार्ज रखा है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, और यहां पर फोर्स से मेरा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक और फलाना ढिमका लग रहा होगा उससे मतलब नहीं, यहां पर मेरे फोर्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है ये आपको बताना है। पॉज लेंगे आप 3 मिनट का, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर आरएस सर का सॉल्यूशन देखेंगे। ये क्यू 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 ऐसे चार चार्जेस हैं, अब इन चारों चार्जेस के हिसाब से अगर मुझे फोर्स देखना है मेरा सॉल्यूशन अब मैं बताने जा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वाला जो क्यू चार्ज है वो इस वाले क्यू चार्ज पे फोर्स लगा रहा होगा कुछ ऐसे। मैंने माना कि ये फोर्स एफ है, ठीक है, मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो फोर्स है वो एफ के बराबर है, तो एफ की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, एफ की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये दोनों चार्जेस क्यू और क्यू है और इनके बीच की दूरी एल के बराबर है, एफ आ गया। तो अगर ये वाला चार्ज इसके ऊपर एफ लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर एफ ही लगाएगा ना भाई, ये भी इसके ऊपर एफ ही लगा रहा होगा, ये दोनों भी तो क्यू क्यू चार्ज ही है तो ये भी इसके ऊपर एफ लगा रहा होगा। मैं कहीं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं, एक ऐसे एफ लगा रहा है, ये वाला भी ऐसे एफ लगा रहा है, तो इसने इसके ऊपर एफ इधर लगाया, इसने इसके ऊपर एफ लगाया, ये जो क्यू है ये चुपचाप थोड़ी बैठेगा, ये भी फोर्स लगाएगा। ये मान लेते हैं एफ डैश लगा रहा है, मान लेते हैं कि ये वाला क्यू इसके ऊपर एफ डैश लगा रहा है, तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू वन क्यू टू। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस एल है ये एल है तो ये वाली जो दूरी आ रही है ना ये वाली, ये एल रूट टू आ जाएगी, तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन एल रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली आ जाएगा एफ बाई टू, रूट टू टू हो जाएगा, बाकी वही एफ ही आ जाएगा, तो ये एफ बाई टू आ गया। तो अब ध्यान से देखें, इसने इसके ऊपर एफ इधर लगाया था, इसने एफ इधर लगाया था, इसने एफ बाई टू लगाया, इसने ऐसे लगा दिया एफ बाई टू। तो अब इस चार्ज के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, एफ बाई टू इधर लग रहा है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर को तो हम वेक्टर के हिसाब से डील करेंगे ना। तो अब जैसे इस वेक्टर को हम डील करना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो वेक्टर है इसको हम डील करना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखिए, पहले तो ये दो परपेंडिकुलर वाले थे, इस एफ बाई टू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये एफ और ये एफ, ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा आपको याद होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। कई बार मेरा अजम्पशन गलत भी हो जाता है लेकिन मानना तो पड़ेगा यार कि वेक्टर आपने पढ़ रखा है। तो ये एफ इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी एफ रूट टू। तो इस एफ और इस एफ का जो रिजल्टेंट आएगा वो एफ रूट टू आएगा, और एफ बाई टू भी उसी डायरेक्शन में ही है, तो नेट जो फोर्स आ जाएगा ना इस एफ और इस एफ को मिला के एफ रूट टू और एफ बाई टू भी उसी डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा एफ रिजल्टेंट अगर मैं यहीं पे लिखना चाहूं तो ये होगा एफ रूट टू प्लस एफ बाई टू। ये सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, रूट टू प्लस वन बाई टू, और एफ की वैल्यू चलो मैं उठा के सीधे रख ही देता हूं, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो इस वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो रूट टू प्लस वन बाई टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। कुछ लोगों का इसमें आंसर आया होगा 5/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो वो जरा सोचे क्या गलती की थी, उन्होंने फोर्स को स्केलर मान लिया था, इस वजह से 5/2 जिसका आ रहा है ना उसने फोर्स को स्केलर मान लिया था। ठीक है, फोर्स वेक्टर होता है, तो इसने इसके ऊपर एफ इधर लगाया, इसने एफ इधर लगाया, इसने एफ बाई टू इधर लगाया। अब इन तीनों का हमें रिजल्टेंट लेना है, तो दोनों परपेंडिकुलर का एफ और एफ का एफ रूट टू आ जाएगा, और एफ बाई टू इधर पहले से लगा हुआ है तो एफ बाई रूट एफ रूट टू प्लस एफ बाई टू, ये एक सवाल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब देखिए अगला सवाल सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसी चीज पर बेस्ड है लेकिन मजेदार है। अगले सवाल के अंदर ये वही स्क्वायर है, ठीक है, ये चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, हल्का सा चेंज मैंने ये कर दिया कि ये चार्ज माइनस क्यू कर दिया,
ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये वाला मैंने माइनस क्यू कर दिया, ठीक है। नाम वही है, जैसे इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा है, इसका बी रखा है, इसका सी रखा है, इसका डी रखा है, ठीक है। और सारे चार्जेस क्यू 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 और यहां पर माइनस क्यू हो गया। सवाल फिर से वही है, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज एट सी, सी के ऊपर जो चार्ज रखा है उस पर लगने वाला फोर्स बताओ। फिर से मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का समय, 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आर एस सर का सोल्यूशन देखिए। तो ये जैसे माइनस क्यू जो है, ये प्लस क्यू और ये वाला प्लस क्यू, इस क्यू पे कितना फोर्स लगा रहा है, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। ये वाला क्यू इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, मैंने मान लिया एफ लगाएगा, इस क्यू ने इसके ऊपर फोर्स इधर लगाया, मान लिया मैंने एफ लगाया, इस माइनस क्यू ने इसके ऊपर फोर्स एफ इधर लगाया, मैं नेगेटिव है तो अट्रैक्ट ही करेगा ना, तो माइनस क्यू ने इसके ऊपर एफ इधर लगाया, और ये वाला क्यू तो वैसे ही लगाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ये वाला इसके ऊपर एफ बाई टू ही लगाएगा। ये एफ बाई टू नहीं समझ में आया हो तो पिछला क्वेश्चन कंसल्ट करें, देखें वीडियो रिवर्स करके। तो अभी इसने इसके ऊपर एफ इधर लगा दिया, ये माइनस क्यू ने एफ इधर लगा दिया, और इसने इसके ऊपर एफ बाई टू इधर लगा दिया। अब देखिए ये 3 वेक्टर्स आ गए हमारे पास, इन तीनों वेक्टर्स को जोड़ करके हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो अब ये 3 वेक्टर्स देखिए ध्यान से, पहला वेक्टर एफ इधर है, दूसरा एफ इधर है, और तीसरा एफ बाई टू इधर है, ठीक। इन तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ना है तो शुरुआत में करता हूं इन दोनों से, ये एफ और एफ, ये दोनों एफ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो इनका रिजल्टेंट आएगा अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी एफ रूट टू। तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट टू आ गया, और ये एफ बाई टू के बराबर है। तो अगर इन दो वेक्टर्स को मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर आ जाएगा एफ बाई टू और इस तरफ आ जाएगा एफ रूट टू। ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो ये जो एफ रूट टू आ रहा है ना, और ये जो एफ बाई टू आ रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 आएगा, क्योंकि बीचों बीच से जाएगा तो 45 ये हो गया, 45 ये था ही, तो एफ रूट टू और एफ बाई टू इनके बीच का एंगल भी 90 आ गया। अगर इनके बीच का एंगल 90 आ गया तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा, जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ एफ बाई टू था ये, एफ बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एफ रूट टू का होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 9 अंडर रूट ऑफ 9 बाई 4 एफ स्क्वायर हो जाएगा, या ये 3 बाई 2 एफ हो जाएगा, एफ आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको भी नोट कर लें।